ओ माय गॉड, कौन है ये लोग, कैसे बाइक चलाते हैं? पीछे लड़की बताया और कितना देर सिग्नल में खड़ा हुआ हूँ अभी भी। सनग्लास में कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताना। ये जारूस मुझे गिफ्ट कर चुका, कैसा लग रहा है? हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीतम। 7-8 दिन 10 दिन हो चुका है वीडियो नहीं आया। दिन कुछ ऐसा है कि साउथ सिटी के सामने से गुजर रहा हूँ, एक दोस्त के घर जा रहा हूँ, घर मतलब दुकान पे। तो एज यूजुअल कोलकाता के ट्रैफिक में फंस चुका हूँ और ट्रैफिक को फिल्टरिंग करते हुए हम निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन के तरफ और जितना जल्दी हो सके पहुँचते हैं। लेकिन कैसे पहुँचूँगा रे बाबा, इतना जैम को ओवरटेक करके कैसे पहुँचूँगा? फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। बहुत दिन बाद ड्यूक को लेके निकला हूँ और देखो सामने और एक पल्सर 135 में। पल्सर गर्ल, जिधर भी देखो राइडर गर्ल। ये पिलियन है, बहुत गर्मी लग रही है, सिर्फ एक टी शर्ट पहना हुआ हूँ फिर भी बहुत गर्मी लग रही है। तो इस रोड को तो आप पहचान ही रहे हैं, इससे पहले भी बहुत बार यहाँ से जा चुका हूँ। और अभी टाइम हो रहा है लगभग कितना बज रहा है, 7 से 7:30 बज रहा है मैक्सिमम। कुछ उठाना है, मतलब दोस्त से कुछ बात है, कुछ काम है, उससे एक चीज़ दिया था तो उस चीज़ का हिसाब देख लेना है। उसके बाद वापस आते टाइम एक जगह पे थोड़ा चाय पकौड़े का सीन है, तो जो होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत दिन बाद बात कर रहा हूँ, गर्मी में मूड भी नहीं होता बाहर निकलने को, ब्लॉग करने को, फिर भी करना पड़ता है। आप लोग तो मेरे फैमिली हो तो इतना तो करना पड़ता ही है आप लोगों के लिए। बाय द वे, कोलकाता में ट्रैफिक सिग्नल बहुत हो गया है और ट्रैफिक रूल स्ट्रिक्ट है एज यूजुअल, बहुत दिन से ही है, मतलब 5 साल तो हो ही जाएगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सीन है, अगर सिग्नल तोड़ देते हो तो वो यू टर्न हो गया तो या कुछ और, तो बहुत लंबा एक फाइन हो जाता है। बंगाली के ऊपर एक सेकंड चैनल बनाने के बारे में सोच रहा था। वैसे बात करते करते यहाँ पे 2-3 बाइक एक्सेसरीज का दुकान खुला हुआ है, मैं देख रहा हूँ। पहले एक था, ओ माय गॉड, कौन है ये लोग, कैसे बाइक चलाते हैं? पीछे लड़की बताया और बाइक पल्सर 135 से हायाबुसा हो गया। देखते हैं ये लोग कितना दूर जा पाते हैं। पल्सर 135 वर्सेस ड्यूक 390। वैसे आप लोगों को पता है कि कौन जीतेगा। वैसे मैं उतना रैप ड्राइव नहीं करता, लेकिन ये लोग भी तो बहुत जोश में है लग रहा है। अरे जोश में नहीं होगा तो क्या होगा, पीछे कौन बैठी है ये तो देखो। जो भी जितना भी स्पीड में चला है सिग्नल पे तो रुकना पड़ता ही है। गो गो बेबी गो, हम निकल गए। वैसे बैड जोक था गाइस, पल्सर 135 से रेस करना कॉमेडी सीन के तरह है, क्या रेस करूं, ये तो एक यामाहा R15 से ही नहीं टक्कर दे पाएगा। कितना देर सिग्नल में खड़ा हुआ हूँ, अभी भी रेड सिग्नल से ग्रीन नहीं हुआ है, अभी ग्रीन हुआ। ये है कलकत्ता का सीन, इधर पर मेट्रो का काम हो रहा है, रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे, बहुत दिनों से ये रास्ता रिपेयर ही नहीं किया जाता, मतलब मेंटेनेंस के नाम पे ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग को ही मालूम है। हम तो बहुत दिनों से जा रहे हैं, देखिए रास्ते का हालत। ये है एम बाईपास का रोड, वो भी रूबी के क्रॉसिंग के सामने, क्या बताऊं, और कुछ बोलना नहीं चाहता। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोगों को मालूम है ये कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पकौड़ा मिलता है या नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन चाय तो पीना ही है। हमारे एक फेमस यूट्यूबर बोलता है चाय के चुस्की बहुत ज़रूरी है खुद को तंदुरुस्त और मोटिवेट एक्टिव रखने के लिए। तो
अभी किसके दुकान पे हो आपको देख के समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं बोल देता हूँ, सूरज मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है तो उसके दुकान पे ही हूँ। ये तो बहुत काम में बिजी है इसलिए ज़्यादा ब्लॉग में वो नहीं आ पाएगा। तो मेरे साथ एक भाई भी है तो वो भी आया है, तो अभी यहाँ से जल्द निकल जाएंगे और सामने एक चाय का दुकान है अगर खुला होता है तो। बाय द वे इस सनग्लास में कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना। ये जारूस मुझे गिफ्ट कर चुका है, जितना भी हो सके उठा लो, पीछे बहुत है। मिलते हैं वापस मोटो ब्लॉक पे, चलिए। प्रेजेंटिंग सबका फेवरेट पाटुली, तो उस तरफ है नचिकेता जो चाय के लिए बहुत फेमस है, तो हमें यू टर्न लेना पड़ेगा। उससे पहले देख लेते हैं खुला हुआ है या नहीं। तो भाई लोग चाय और पकोड़े तो नहीं हुआ, बैड लक, मूड थोड़ा ऑफ हो गया है, बट एक और चीज़ लिया हूँ घर के लिए, हम सबके लिए, मतलब मम्मी पापा और मेरे लिए, वो है आम मैंगो। गर्मी के मौसम में एक इसका कोई तोड़ नहीं, मतलब इसका कोई और ऑप्शंस नहीं। जो लोग आम खाते हैं गर्मी के सीज़न में, आम का जो वैल्यू है जो लोग जानते हैं, उन लोगों को अलग से एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी 10-15 मिनट के अंदर ही घर पहुंच जाऊंगा, पहले गैरेज जाऊंगा। गैरेज मतलब इसका घर, ड्यूक का, मेरे तीनों बंधुओं का घर। बोलते बोलते एक निंजा 1000 का साउंड मिला। अरे भाई रास्ते पे बहुत जाम है, ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत गर्मी पड़ रही है। कितनी जल्दी मैं घर पहुंचूंगा वही सोच रहा हूं। तो गुड आफ्टरनून गाइस, लास्ट जो वीडियो का पार्ट आपने देखा वो था कल का और आज 7th अगस्त। तो हेलमेट का ये जो वाइज़र है आप नहीं देख पाएंगे अभी, फिर भी कोशिश करूंगा यहाँ पे दिखाने को। ये जो टिंटेड वाइज़र है, मतलब मल्टी कलर्ड टिंटेड टाइप का जो ये जो वाइज़र है, यहाँ पे बहुत सारा स्पॉट आ रहा है, मतलब उस स्पॉट में कलर फेड हो जा रहा है और बहुत सारा निशान आ जा रहा है, स्पॉट दाग बोल सकते हैं। तो इसीलिए एक अच्छा खासा और दूसरे कलर का वाइज़र अगर मिल जाए उसके लिए ही जा रहा हूँ, और दो एक चीज़ लेना है अगर अच्छा मिल जाए मेरे बजट के अंदर, तो इसीलिए जा रहा हूँ। और अगर टाइम मिला तो ड्यूक को वॉश भी कर लेंगे क्योंकि बहुत गंदी हो चुकी है ये। बाय द वे दो दिन का व्लॉग एक साथ मिला के ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि एक दिन के व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने को, इसलिए दो दिन का व्लॉग शूट कर रहा हूँ एक साथ और रेडी कर रहा हूँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए। बजाओ ताली। देखते हैं ये हेलमेट जिस दुकान से मैं खरीदा हूँ, अल्टीमेटली उसी दुकान पे जाते हैं जो है बाइकर जिनोम, जाके देखते हैं अगर मिलता है तो उठा लेंगे। और बाकी सीन क्या है वो आपको अपडेट देते हैं। हेलमेट का वाइजर मिल गया और कैसा लग रहा है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे जो है IMGBIndia, तो ज़रूर से वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। ड्यूक होके भी पकड़ नहीं पा रहा हूँ, अच्छा खासा मेहनत लग रहा है उसे पकड़ने में, 48-50 फिर भी कितना दूर है। फास्टेस्ट गर्ल राइडर, स्कूटी राइडर, देखो पकड़ा नहीं जा रहा, कितना जोर से चला रहा है। अरे दीदी बहन जो भी हो रुक जाओ, कितनी जोर से चला रहे हो। एक्सपर्ट राइडर देखो कैसे चला रही है। ऑसम राइडर, ऑसम, लेकिन आपका भाई तो बीस्ट है, बीस्ट थोड़ा अलग से परफॉर्म करता है। एनीवेज चलो, हेलमेट का काम हो गया, अभी ड्यूक को धुलाने की कोशिश करता हूँ।
होता है या नहीं होता वो तो कुछ देर बाद ही पता चलेगा। वैसे वेदर एकदम झकास है, ऐसा टाइप का वेदर ही तो चाहिए राइडिंग के लिए। देखो लंबे लंबे बिल्डिंग्स, ये है साउथ सिटी का जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो है, सामने है साउथ सिटी मॉल और पीछे है ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स। थोड़ा सा जगह तो दे दो मैं निकल जाता हूँ। अरे कैसे निकलूँगा भाई, शाबाश बड़े हेवी राइडर हो भाई। तो बहुत दिन से ही सोच रहा था कि घड़ी खरीदना है और स्पेशली कैशियो के ऊपर मेरा एक अलग से मोहब्बत था, तो बहुत दिनों से ही सोच रहा था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया लेकिन आज शेयर कर रहा हूँ। मैं खड़ा हूँ कैशियो में, कैशियो का ये एग्जीक्यूटिव है, तो ये लोग ये साहब से बात हुआ तो अभी एक घड़ी फाइनल कर चुका हूँ। किसी को मालूम नहीं है, जब ये वीडियो आएगा तो सबको मालूम पड़ेगा जो मैं कौन सा घड़ी खरीद चुका हूँ। कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना, एकदम टफनेस के हिसाब से एकदम नंबर वन है। क्या चीज़ है, क्या सीन है, कितना टफ है और कितना ड्यूरेबल है, वो तो आप जो लोग यूज़ करते हैं उन लोगों को ज़्यादा मालूम होगा। बाकी मैं यूज़ करके बाद में आप लोगों को फीडबैक दूंगा कि चीज़ कितना वैल्यू फॉर मनी है, क्या क्या चीज़ है। तो बहुत दिन से ही सोच रहा था कि एक वॉच खरीदना है जो बहुत ड्यूरेबल हो, मतलब रेडी टू यूज़, बहुत रफ एंड टफ, किसी भी सिचुएशन में यूज़ करने के लिए एकदम परफेक्ट हो। तो वो घड़ी के बारे में बहुत दिन से ही सोच रहा था लेने के बारे में। जो मेरे से बहुत क्लोज है वो लोग को पता होगा इस बारे में। तो और एक चीज़ के बारे में मैं कल के वीडियो में ही बोल रहा था, मतलब इस ब्लॉग में ही कल जब मैं शूट कर रहा था तभी मैं बोल रहा था कि एक बंगाली चैनल के बारे में सोच रहा हूँ। वो एक अलग बंगाली चैनल हो सकता है या ग्राउंड बीस्ट में ही शायद, मैं इसके बाद हिंदी नहीं बोलूँगा क्योंकि एक बंगाली लड़का हूँ तो बंगाली ज़्यादा सूट करता है मेरे साथ। बहुत लोग बोल भी चुके हैं ये बंगाली में बात कर, ये वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे बंगाली लोग, स्पेशली वेस्ट बंगाल के लोग। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो आप लोगों का क्या ओपिनियन है। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, जल्द से जल्द घर पहुंचते हैं, बहुत लेट हो चुका है, लगभग 3 बज चुका है। तो जाते हैं, फ्रेश होते हैं और आप लोगों के ये वीडियो तैयार करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। दिस इज प्रीतम From ground based. Take care, God bless. Bye-bye.